जी ये बताइए कि अभी आपके पास कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, ये आप मऊआमा कताई मिल से संबंध रखते हैं, तो आप क्या इनके मुद्दों को कहां तक ले जाएंगे या क्या इनका किस प्रकार से सहयोग करेंगे? नहीं, कताई मिल के कर्मचारियों के साथ सरकार बहुत अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी, रोजगार ले रही है, और ये मऊआमा कताई मिल के कर्मचारियों की समस्या जो है बहुत गंभीर समस्या है। तमाम लोग कर्मचारी जो है बेरोजगार हो गए हैं, तमाम कर्मचारी मृतक हो गए हैं, जिनकी की महिलाएं हैं करीब लगभग 200। ये कर्मचारी लोगों की बात मैं निश्चित ही विधानसभा में और लोकसभा में जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें भी कताई मिल कर्मचारियों की आवाज को उठाने का काम करूंगा। जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कताई मिल के कर्मचारी जो हैं वो अन्याय कर रहे हैं छोटे कर्मचारियों के साथ, और सरकार को भी मैं लिखूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं लिखूंगा और केंद्र में भी लिखूंगा कि इनके जो कर्मचारियों हैं इनको पुनः रखा जाए और कताई मिल चालू किया जाए। ये मैं सरकार से मांग करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने लोकसभा के सत्र में अपने इफको के लिए बात रखी थी कि लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बाहरी लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जबकि इससे जो वेस्टेज आता है उससे बीमारियों का सामना क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, तो उसका लाभ भी क्षेत्र को मिलना चाहिए, ऐसी इसी प्रकार की आपने बात रखी थी, क्या उसका रिजल्ट आया कुछ? निश्चित ही मैं आज ही अभी इफको के कर्मचारियों की मीटिंग करके आ रहा हूँ। वहाँ पे कर्मचारियों की मीटिंग थी इफको के बगल गांव में, वहाँ आज वहाँ पे कर्मचारी नेता जो मजदूर ठेका वाले हैं और कर्मचारी हैं, जो तमाम विवाद हुआ था, लोकल कर्मचारियों को रख नहीं रहे थे, तो तमाम कर्मचारी यूनियन के वहाँ पे नेता, आज मैं उनकी मीटिंग करके तब आ रहा हूँ कताई मिल वाले साथियों से मिलने के लिए, कर्मचारियों के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने लोकसभा में आवाज उठाई थी कि क्षेत्रीय लोगों को, मजदूरों को काम दिया जाए, जो बाहरी बिहार बंगाल उड़ीसा के लोगों को काम दिया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से प्रभावित होते हैं लोकल लोग, और तमाम किसानों की जमीनें गई हैं। वहाँ पे एक पाल साहब थे, उनकी 8 बीघे जमीन गई थी, बहुत वृद्ध थे, 85 साल के, वो रोने लगे आज मीटिंग में, कहे कि हमारी 8 बीघा जमीन गई है, मेरे किसी के घर के लोगों को न नौकरी दिया गया न मुझको उसका मुआवजा दिया गया। तो तमाम ऐसे किसानों की इफको फैक्ट्री में जमीन गई है जिनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया न नौकरी दी गई, ऐसे लोगों का मैंने अभी प्रपत्र इकट्ठा किया है अपने पास और उनके कागज उठाया हूँ। लोकसभा में सवाल उठाया था, क्योंकि जहाँ भी इफको फैक्ट्री है वहाँ से अमोनिया गैस निकलती है, तमाम गंदे पानी निकलते हैं, जिससे कि अगल बगल के क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, उससे बीमार पड़ जाते हैं अमोनिया गैस से। तो निश्चित ही जो है क्षेत्रीय जनता की अवहेलना कर रही है इफको फैक्ट्री, मैं उसकी आवाज लोकसभा में उठाया हूँ, और निश्चित ही सभी का कागज लेकर जिन जिन कर्मचारियों का छाटने का काम किया है, कुछ अभी 3 कर्मचारी इफको के जेल में है, उनकी भी मैं बात उठा रहा हूँ, और निश्चित ही मैं मजदूरों को, ठेका मजदूरों को और गरीब किसानों की लड़ाई मैं निश्चित ही लोकसभा में लड़ूंगा, और निश्चित ही प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी से भी, आदरणीय मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सबसे कताई मिल की भी कर्मचारियों की समस्या और इफको के कर्मचारियों किसानों की समस्या को निश्चित ही उठाने का काम। आप फूलपुर लोकसभा से सांसद हैं, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी सांसद हुआ करते थे, यहां पर मऊआमा कताई मिल और इफको के अलावा ऐसा क्या कुछ आप सोचे हैं, जिस कोई नई चीज ऐसी आप लाएंगे इस लोकसभा के लिए? निश्चित ही ये फूलपुर की धरती बहुत ही सराहनीय धरती है। यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, राम पूजन पटेल, बीपी सिंह, तमाम महान हस्तियां यहां से, जो कि कई प्रधानमंत्री भी हुए हैं फूलपुर लोकसभा से, जो संसद सदस्य चुने गए हैं। निश्चित ही जब समाजवादी पार्टी या महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब निश्चित ही यहां इस तरह की कोई न कोई योजना लाने का काम करूंगा, और निश्चित ही जो कर्मचारियों की, मजदूरों की जो आवाज है, इसको भी लोकसभा में उठाने का काम करूंगा, इनका हक हकूक दिलाने के लिए भी मैं पूरा तत्पर रहूंगा। जब तक कताई मिल के कर्मचारियों की वेतन बकाया नहीं मिल जाता, उनको रोजगार नहीं मिल जाता, इफको के लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक मैं लगातार मजदूरों और किसानों की लड़ाई लगातार मैं लड़ता रहूंगा, और लोकसभा और विधानसभा में सवाल उठाता रहूंगा,
निश्चित ही मैं कर्मचारियों के साथ हूँ, चाहे वो इफ्को के कर्मचारी हो, चाहे वो मई वायमा कताई मिल के कर्मचारी हो, सभी के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। ये थे हमारे समाजवादी पार्टी से फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल।